हे गाइस, आपके अपने चैनल इजी फूड किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, टिक्की किसे पसंद नहीं है? टिक्की हो, चाट हो, गोलगप्पे हो, ये तो फेवरेट होते हैं। तो आज मैं बहुत ही कुरकुरी टिक्की बनाने जा रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आपकी टिक्की जब भी बनाएंगे बहुत ही करारी और कुरकुरी बनेगी। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए मिनटों में बनाते हैं करारी टिक्की। मैंने आलू को उबाल लिया है और छील लिया है। आप याद रखिए, आलू को उबालने के बाद पूरी तरह से ठंडा करें। ठंडा करने के बाद मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। आलू को हम हाथों से मैश नहीं करेंगे, उसमें लम्स रह जाते हैं, तो कोशिश करें आप आलू को ग्रेट करें। थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है, इसे भी मैं ग्रेट कर रही हूँ। मैंने इसमें नमक ऐड किया है, नमक स्वाद के अनुसार आप ऐड कर लीजिए। एक चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला आधा चम्मच, चाट मसाला एक चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच के करीब, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। हाथों को धोकर अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। डो तैयार हो चुका है। ये देखिए, मैंने दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के लिए हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावलों का आटा ले सकते हैं। इसे भी हम आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी वजह से जो हमारी टिक्कियां हैं वो बहुत कुरकुरी बनेंगी। अगर आप आलू ज़्यादा ले रहे हैं तो आप कॉर्नफ्लोर की मात्रा बढ़ा दें। चलिए अब स्टफिंग तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन को गैस पर रख दिया है, फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा घी। घी को गर्म कर लेंगे। आधा चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा को हल्का सा भून लेंगे। ये देखिए, मैंने 1/3 कप चने की दाल को उबाल लिया था, तो ये हम इसमें डाल देते हैं। उबालने के बाद मैंने इसे छान लिया था, तो इस दाल को हम भूनेंगे। तो 3-4 मिनट इसे भूनना है। गैस को लो मीडियम के बीच रखेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं। नमक हम कम ही ऐड करेंगे क्योंकि आलू में भी हमने नमक ऐड किया है। लाल मिर्च, थोड़ी सी मैंने उबली हुई मटर ऐड की हैं, इसे भी मैं कुछ सेकेंड्स भून लेती हूँ। अब मैं आधा चम्मच देगी मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे हमारे स्टफिंग को अच्छा सा कलर मिलेगा। बस अब हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हम क्या करेंगे, आलूओं के डो में से एक पोर्शन तोड़ेंगे। जैसे कि हम टिक्की के लिए लेते हैं, सेम उसी तरह से हमें उतना पोर्शन तोड़ना है। बीच में से इस तरह से इसको थोड़ा सा डीप कर लेंगे, जिससे कि हम इजिली स्टफिंग भर सकें। चम्मच की सहायता से स्टफिंग इसमें डालेंगे। इस तरह से गोल करते हुए इसको कवर करेंगे। अगर स्टफिंग ज़्यादा है तो थोड़ी आप कम कर लीजिए, और इसे टिक्की की शेप दे देंगे। तो देखिए, एक टिक्की तैयार है। इस तरह से ही हम बना बनाकर प्लेट में रख लेंगे। यहाँ देखिए, मैंने एक प्लेट में फिर से कॉर्नफ्लोर लिया है, तो टिक्की को हम इस कॉर्नफ्लोर में कोट कर देंगे। सारी टिक्कियों को हमें कॉर्नफ्लोर में इसी तरह से कोट करना है। 3 टिक्कियाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं, बाकी की टिक्कीज मैं बाद में तैयार कर लूँगी। तो देखिए, मैंने एक पैन में तेल को ऑलरेडी गर्म कर लिया है। टिक्कियों को हम शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर ही टिक्कियों को फ्राई किया जाता है, उससे इसमें करारापन आता है। तो ध्यान रखें, हाई फ्लेम ना करें। टिक्कियों को अभी हम नहीं छेड़ेंगे। जब नीचे से टिक्की अच्छे से सिक जाएगी फिर हम इनको पलटेंगे। अदरवाइज अगर आप बीच में छेड़ेंगे तो टिक्की के टूटने का डर रहेगा। तो थोड़ा सा मैं इस तरह से तेल इसके ऊपर डाल लेती हूँ, ताकि ऊपर से भी थोड़ा सिकना शुरू हो जाए। टिक्की को फ्राई करने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है गाइस। चलिए अब एक टिक्की को पलट कर देख लेते हैं। ये देखिए, कितना अच्छा कलर आया है। नीचे से टिक्की सिक चुकी है, तो सारी टिक्कीज को हम पलट लेंगे। तो दोनों साइड से हम इसी तरह से टिक्की को सेक लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड से टिक्की बहुत अच्छे से सिक चुकी है। तो चलिए अब इन्हें कढ़ाई से निकाल लेते हैं।
टिक्कीज बिल्कुल तैयार हैं और ये देखिए देखने में ही कितनी यम्मी लग रही हैं। बहुत ही क्रिस्पी टिक्की बनी है गाइज, तो मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जो इसकी स्टफिंग है वो भी कितनी अच्छी तरह से विजिबल हो रही है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चलिए अब मैं आपको इसकी चाट बनाकर दिखाती हूँ। तो एक प्लेट में मैंने टिक्की को रख लिया है, इस पर हम डालेंगे दही। ये मीठी दही है, दही में मैंने थोड़ी सी चीनी डालकर मिक्स किया था और अच्छे से दही को फेंट लिया था। जैसे चाट वाले बनाते हैं ना, वो दही में थोड़ी सी चीनी ऐड करते हैं। इमली की चटनी ये भी इस पर डाल देते हैं, हरे धनिए की चटनी, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप किया था, मूली ग्रेट की हुई, थोड़ा सा धनिया पत्ता जो इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना ज़्यादा, इसको देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही अमेजिंग टिक्की बनी है, सच मानिए आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि टिक्की हमारी करारी बनेगी या नहीं। बिना टेंशन के इसे बनाइए, फैमिली को खिलाइए और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।